हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डे की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो आपका जुलाई में होगा। प्यारे साथियों, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भाई बहन एक या दो नंबर से फेल हो गए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लें, बिल्कुल परेशान मत लें। अब की बार अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और ये टारगेट रखिए कि अब की बार सीटेट में 130 प्लस लेकर के आना है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवाया जाएगा, आपकी टॉपिक्स की क्लासेज चल रही हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया वो भी लगातार सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए और जो है जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी आपको करवाई जाती रहेंगी। जो भी नोट्स भी आपको चाहिए होगा वो सारी नोट्स आपको वन लाइनर फॉर्म में भी करवाए जाएंगे। और जिसका भी आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट करिए वीडियो में, टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़िए, वहाँ आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए आज हम लोग चैप्टर दो की बात करते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ये तुषार की रेल यात्रा है, उसकी एक जो रेल यात्रा है ये, तो इसकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यहाँ से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूँगा, आप लोग उसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ऐसा करने के पीछे उनके कई कारण होते थे। आइए उन कारणों को जानते हैं क्या कारण थे। पहला कारण था, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे फूल जानवर इन सबको खाकर समाप्त कर देते थे और इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था ये देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते रहे होंगे। एक चीज़ आपको और बता दें, ये करंट एडिशन है प्यारे साथियों, 2023 और 24 के एनसीईआरटी हम आपको करवा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी नहीं है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इधर उधर घूमते रहे होंगे। और चौथा कारण यह है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झील झरनों नदियों में ही मिलता है, जब कई नदियों और झीलों का पानी कभी जो है वो सूखता नहीं है। कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली आइए देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। या संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियों और हड्डियों के बने औजार बनाए, इनमें से पत्थरों के भी औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है कि पत्थर के औजार का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, इससे वो जड़ को खोदते थे, और दाएँ इस औजार से वो जो है जानवरों या वस्त्रों को सिलते थे या फाड़ने का काम करते थे। चलिए रहने के लिए निर्धारित करना, मानचित्र दो को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले, इन जगहों पर वो रहते थे। इसके अलावा भी और कुछ स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को चिन्हित किया गया है जो झीलों और नदियों के किनारे पाए गए हैं। आइए देखते हैं लाल त्रिकोण कहाँ कहाँ है। चलिए देखिए भैया, लाल त्रिकोण ये आपका भीमबेटका है, किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। और हुसंगी है, कुरनूल की गुफाएं हैं, ये कहाँ है, कृष्णा नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो ये आपको कुछ स्थान दिखाए गए हैं। तो जो त्रिकोण है
पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, जो ब्लू कलर में है वो नवपाषाणिक है, और जो ग्रीन कलर में है महापाषाणिक, और जो बैगनी कलर में है आरंभिक गांव है, और जो स्टार से हैं उन्हें आधुनिक नगर की संज्ञा दी गई, जैसे कोलकाता, मुंबई, ठीक है। स्टार है ब्लू वाला, ये मेहरगढ़ है, चिरांद है, कोल्डिहवा है, ये आधुनिक नगर हैं जो आपके नवपाषाणिक में हैं, दोस्लो, हॉर्डिंग, पयमपल्ली, हल्लूर, ठीक है। तो ये जो है आपका है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक पर। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। चलिए, भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। तो ये वाली लाइन याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते क्योंकि इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो भीमबेटका कहाँ है? नर्मदा। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा मध्य प्रदेश में है। चलिए, शैल चित्रकला, ये चित्र आप देख रहे हैं, एक मानव पकड़ करके इस जानवर का शिकार कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, ये आपको दिखाया गया है पहाड़ की कंदराएं हैं जहाँ मानव रहा करते थे अपने आप को। उस समय ये लोग ऐसे ही ढाल लिया करते थे, यहीं पर रह लिया करते थे। चलिए, पुरास्थल के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार बना है। पुरास्थल क्या है? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं भैया? औजार के, बर्तन के, इमारत के। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में डिटेल से जानकारी मिलेगी। चलिए, आगे की खोज पर चलते हैं। मानचित्र में आपको मैंने कुरनूल दिखाया था, तो कुरनूल की गुफा देखना है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? राख। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूंजने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता रहा होगा। चलिए, नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में हम पढ़ते हैं, पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल, दो शब्दों से पूरा माने प्राचीन, पाषाण माने पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान माना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है, सबका टाइम पीरियड आपको नोट करना है मेरे प्यारे साथियों, तो टाइम पीरियड आप लोग नोट करते रहिएगा। इस काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को ही तीन कालों में विभाजित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसमें किसमें? आरंभिक, मध्य और उत्तर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन बने हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। अब की बार के सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव इतिहास की 99% कहानी किस जो है काल में घटित हुई थी, वो पूरा पाषाण काल है, जिसका समय 20 लाख से 12,000 पहले तक है। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार पत्थर के बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, लगे हंसिया आदि जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम अगले अध्याय में दिए हैं, जो आपको इस तरह के अनेक नाम मिलेंगे। तो अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया। गर्मी बढ़ने लगी, परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बालासिंगा, भेड़, बकरी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रहने लगे। चलिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय इनकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली को भी महत्वपूर्ण भोजन के रूप में देखा गया, अर्थात वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई।
खेती और पशुपालन की शुरुआत देखते हैं। इसी दौरान महाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होता था। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो मानव कृषक कैसे बना, उसकी ये लाइन आपको मिल रही है। चलिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, फिर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाने का कुत्ते का पूर्वज था, याद रखिएगा, कुत्ते का पूर्वज था पूछा जाता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को अपने नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे इसी तरह क्या बन गए, पशुपालक बन गए, अर्थात पशुओं की सुरक्षा करते करते वे पशुपालक भी बन गए। चलिए, घरेलूकरण की प्रक्रिया। मानव घरेलूकरण में कैसे आया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे और जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम धीरे धीरे देखें कि पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पेड़ पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत और सिंह छोटे तो थे। ये पालतू जानवर का दांत है और ये जंगली जानवर का दांत है, ये छोटा है और ये बड़ा है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में लगभग धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये लाइन महत्वपूर्ण है। सबसे पहली फसल गेहूं और जौ है और सबसे पहले पालतू बनाए गए में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो कुत्ते के बाद कौन सा जानवर आता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखिएगा, गेहूं और जौ आपकी फसल है, कुत्ते के बाद, याद रखिएगा, कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी पालतू बनाए गए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए, एक नवीन जीवन शैली। किसी पौधे के बीज को बो करके देखो क्या मिलता है। विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, महीने, साल लग जाता है। इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर चिड़िया से सुरक्षा जैसे बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, इस प्रकार से उसको सुरक्षित रखे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त होता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। सिंपल सा, याद रखिएगा, ये लाइन उठा के एनसीईआरटी हूबहू दे सकती है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में थोड़ा सा पता करें। मानचित्र 2 में आपको देखना है, तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, मैंने दिखाया था। इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे बड़े रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहूम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है। ये क्वेश्चन बना सकता है बुर्जहूम कहाँ है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जिन्हें गर्तावास कहते हैं, तो गर्तावास का मतलब गड्ढे के नीचे जमीन, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इसमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते रहे होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये आपको जो दिखाया गया है, ये औजार नवपाषाण युग के हैं। ये किसके हैं? नवपाषाण युग के ये आपको जो औजार हैं वो दिखाए गए हैं। चलिए पात्र की बात करते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण का मतलब क्या होता है? सजावट। क्या होता है? सजावट किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे पौधे भी उगाए जाने लगे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक समान या एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक अदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो बोलन दर्रा कैसा है याद रखिएगा, हरा भरा समतल स्थान है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बन सकता है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण, जंगली सुअर, भेड़ और बकरी की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है। कैसे? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते रहे होंगे। चलिए ये आपको दिखाया गया है, ये मेहरगढ़ का जो घर है उसका एक चित्र आपको यहाँ दिखाया गया है, देख लीजिए। ये मेहरगढ़ का घर है, यहाँ चार कमरे हैं। मृत कुएं सामान्यतः एक मृतक के सखे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था के मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी देखने को पाए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफना गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि वो परलोक जाएगा तो वहाँ खाएगा। तो ये था प्यारे साथियों आपका महत्वपूर्ण चैप्टर आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।